बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो जो तिल के फार्मर हैं, तिल के काश्तकार हैं, तिल के किसान हैं, उनके लिए इंतहाई अहम है कि तिल की जो फसल है इस पर ख़तरनाक बीमारी का जो है वो अचानक हमला हो गया है। तो बहुत ही ख़तरनाक मतलब बीमारी है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान वो फसल को पहुँचा रही, तो उसका हमला हो गया। तो उसका अब क्या करना चाहिए और कौन सी वो बीमारी है, उसका इलाज क्या है, क्योंकि तिल की जो फसल है वो तकरीबन काफ़ी जो इलाके हैं उसमें फूल उसका जो है वो एंड पे पहुंच गया और उसके जो कैप्सूल है वो बनना तकरीबन मुकम्मल हो गए। ये आप देख सकते हैं कैप्सूल तकरीबन इसके मुकम्मल तौर पे बन चुके हैं और ये जो इसकी स्टेज है ये बड़ी अहम स्टेज है और इस स्टेज पे आगे इस पर ख़तरनाक बीमारी, इंतहाई ख़तरनाक बीमारी का हमला हो गया जो पौधे को लगती है और एक दो दिन के अंदर ही जिस पौधे को मतलब वो बीमारी लगती है वो पौधा ख़त्म कर देती है, उसके पत्ते वगैरह सारे ख़त्म कर देती बीमारी। तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये फसल आप भाई अगर दिखा दें, इसका मैं नाम भी आपको बीमारी का बताता हूँ, इधर से बस दिखा दें, नाम भी मैं इसका बीमारी का आपको बताता हूँ और इसका जो मतलब इलाज है कि किस तरह हमने इसको कंट्रोल करना है और ये कितना ज़्यादा फसल को नुकसान पहुँचा सकती है। आपकी फसल अगर आप इसका बर वक्त या फौरी तौर पर कंट्रोल नहीं करेंगे और अपनी फसल की निगहदाश्त नहीं रखेंगे तो कितने दिनों में ये कितना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। ये हमारी जो फसल है, तीन दिन पहले हमने इसका विज़िट किया लेकिन उसके बाद हमने नहीं देखी कुछ मसरूफियात की वजह से, क्योंकि ईद थी, इस वजह से हम इसका विज़िट नहीं कर सके, इसका हम नहीं दोबारा देख सके। तो आज हमने आके देखी तो इस पर एक ख़तरनाक बीमारी का जो हमला हो चुका है। तो वो बीमारी असल में है क्या, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि ये है क्या और इसका हमने अब इलाज कैसे करना है। तो भाई ज़रा कैमरा अगर नज़दीक लेके आए तो मैं आपको ये बीमारी दिखाता हूँ। ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, ज़रा जूम में लेके आए कैमरा। ये आप देख सकते हैं, ये पत्ते के ऊपर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मतलब कीड़ों का एक पत्ते के ऊपर कीड़े ही कीड़े नज़र आ रहे हैं। आप अच्छे से अगर देख सके, इधर भी भाई दिखाएं थोड़ा, ये ऊपर जो कीड़े नज़र आ रहे हैं ये आप अच्छे से देख सकते हैं, मतलब जो पत्ते हैं उस पर कीड़ों का बहुत ज़्यादा शदीद हमला है और जो जिस पे मतलब जो पत्ते जिस पे पहले दिन हुए दो दिन के अंदर वो पत्ते, ये अगर भाई थोड़ा नज़दीक लेके आए, ये पत्ते जिन पर दो दिन पहले हमला हुआ था ये पत्ते तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे लगता है कि जैसे इस पौधे के साथ पत्ते मौजूद ही नहीं थे। दोबारा ये फिर कीड़े ज़रा दिखा दें, ये आप देखें, बड़ा ही शदीद किस्म का अटैक हुआ और मतलब चंद जो उसकी बता लें कि चंद जगह पे जिस पे हमला हुआ उस जगह पे फसल तकरीबन ख़त्म कर दी इस बीमारी ने। ये पत्ते भी अगर देखें भाई थोड़ा इधर भी लेके आए, ये पत्ते तकरीबन आधे से ज़्यादा ख़त्म, अब कल इस पे अटैक हुआ, ये अब पत्ते देख, अभी हवा थोड़ी देर पहले चली है, कुछ ये कीड़े जो हैं वो झड़ गए, मतलब इस जगह से जो कीड़े हैं वो झड़ गए और गिर गए नीचे। ये इस जगह पर मैंने आपको दिखाया, दोबारा फिर मैं दिखा देता हूँ, ये इधर भाई ज़रा लेके आए, ये अभी इधर कीड़े मौजूद हैं। आप अच्छे से इसको देख लें, आप अपनी फसल की जो है निगहदाश्त रखें और देखें कि अगर आपके फसल पे ये हमला हो गया तो आपने उसका फौरी तौर पे इकदाम करना है, फौरी तौर पे उसकी तदाबीर करनी है। तो ये बीमारी असल में है क्या दोस्तों, ये बीमारी असल में है लश्करी सुंडी। लश्करी सुंडी इसलिए कहा जाता है कि ये एक जो कीड़े हैं ये लश्कर की सूरत में, ग्रोह की सूरत में हमला करते हैं, मतलब एक ग्रुपिंग की सूरत में जो पौधे पे हमला करते हैं और एक पौधे पे जब ये हमला करते हैं तो उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देते हैं, पौधे को मुकम्मल तौर पे सुखा देते हैं और उस पर जो कैप्सूल बन रहे होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। ये भाई ज़रा नज़दीक लेके आए, ये जो कैप्सूल था इसको मैं ज़रा इधर से उखाड़ लेता हूँ, ये जो कैप्सूल बना हुआ ये आप देखें बिल्कुल ब्लैक हो गया और सूख गया कैप्सूल भी इस बीमारी की वजह से। ये आप देखें जी कैप्सूल जो मतलब उसकी डोडियां जिसे बोला जाता है उसका कैप्सूल, आप ये देखें पौधा भी कितना अच्छा पौधा लेकिन सूख गया। ये लश्करी सुंडी इसको बोला जाता है, लश्कर की सूरत में ये कीड़े होते हैं और ये हमला करते हैं जब, तो पत्ते को मुकम्मल तौर पे ये एक मतलब एक जगह पे अगर हमला करें तो वो जगह मुकम्मल तौर पर सूख जाती है। इस फसल में और भी अभी कुछ है इस साइड पर थोड़ी जगह, लेकिन ये जो अलामत मैंने बताई आपने अच्छे से, अब इसका पता नहीं चलता। मैं पहले आपको ये बताऊं, दूर से अगर फसल आप देखें तो फसल आपको हरी भरी नज़र आएगी, आपको ऐसे लगेगा कि आपकी फसल पे किसी किस्म का कोई हमला नहीं, मतलब फसल आपकी बिल्कुल सब्ज़ खड़ी, कोई इस पे किसी किस्म का अटैक नहीं। लेकिन अगर आप नज़दीक आके गौर से देखेंगे तो छोटी छोटी जो फसल के अंदर मतलब टिबियाँ आप कह लें पंजाबी में जिसको बोला जाता, छोटे छोटे जो जगह हैं उसको ये मतलब उस पर अटैक करती है और जब वो ख़त्म कर लेती जगह और उसके बाद दोबारा फिर ये आगे हमला कर देती है और चंद दिनों में ही फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। अब देखें ये जो पत्ते फसल के हैं इसका मैं इलाज भी आपको बताता हूँ, ये जो पत्ते मुकम्मल तौर पे झड़ गए, अब ये जो इसके कैप्सूल या जिसकी डोडियाँ इस पर मतलब जो दाना बनना है वो दाना जहाँ पर एक मिसाल के तौर पर पहले 50 दाना बनना था तो 50 से कम होकर 10 दाने बनेंगे इस कैप्सूल के अंदर, तो बहुत ज़्यादा फसल का नुकसान हो जाएगा। ये फसल की बड़ी नाजुक स्टेज है क्योंकि यहाँ पे आके फसल ने पकना होता है और उसका जो दाना है उसने मजबूत होना होता है और इस स्टेज पे आके अगर इसका ये हमला हो जाए तो फिर जो फसल आपकी है वो डैमेज हो जाएगी। उसके जो पत्ते, एक बात मैं मेन आपको बता दूँ, ये जो पत्ता है
जब कैप्सूल बनता है इस पत्ते के जरिए खुराक खींच के, तो वो अपने दाने को मजबूत करता है, दाने का मतलब उसका वजन बढ़ता है। जब ये इसके पत्ते सूख जाएंगे, यही मतलब इसका होगा कि जो इसका कैप्सूल उसका कनेक्शन कट गया और अब उसका वजन ज़्यादा नहीं बनेगा। तो लश्करी सुंडी का दोस्तों ये अटैक है। अब मैं इसको आपको हल बताता हूँ कि इसका हल क्या है। अगर आप देखें कि इस तरह इस ग्रुपिंग की सूरत में आपकी फसल पे कीड़ों का हमला, दोबारा फिर भाई ज़रा एक दफ़ा दिखा दें, जो पहले किसी भाई ने स्किप कर दिया वीडियो, ये देखें जी। अगर इस तरह आपकी फसल पे कीड़ों का हमला है, मतलब कीड़े बहुत ज़्यादा हमला कर रहे हैं और आपके फसल के पत्ते सूख रहे हैं, या उस पर ग्रुपिंग की सूरत में ये कीड़ों ने हमला किया हुआ, अब इसका हल क्या है? अगर दोस्तों एक या दो दिन में आपको इसको पता लग जाता तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ये थोड़ी फसल ही डैमेज होगी और इसके बाद आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको चंद अच्छे स्प्रे भी बता देता हूँ। फसल माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खड़ी थी, लेकिन ये हमला जो हुआ चंद जगह जिधर से फसल डैमेज हुई, पहले जैसी फसल तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अब हमने इसको जल्दी देख लिया दो दिन के अंदर ही, लेकिन ये इधर ही रुक जाएगी बीमारी, तो इसका अभी ज़्यादा नुकसान नहीं, थोड़ा बहुत ही नुकसान, मतलब 100 में से आप कर लें कि 2-3% तो नुकसान हो चुका दो दिन के अंदर ही। तो सबसे पहला तो ये है कि आपने अपनी फसल का रोज़ाना विज़िट करना है, आपने रोज़ाना जाके अपनी फसल को देखना कि कहीं आपकी फसल पे ये हमला तो नहीं है, लेकिन अगर हो गया हमला तो अब टेंशन आपने नहीं लेनी, जल्दी उसको आपने कवर करना। अब उसका तरीका करके आप उसके लिए अच्छी कंपनी का स्प्रे लें, मैं चंद आप तीन स्प्रे भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप संजंटा का जो मैच है उसका इसको स्प्रे करें, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। वो अगर आपको अवेल नहीं है या वो आप नहीं ले सकते, या कोई दोस्त और कंपनी का यूज़ करता है चाहते हैं, बायर का आप ले रहे हैं रीजेंट और बेल्ट, उसको मिक्स करके वो आप इस पे कर दें, उससे भी कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद FMC की एक प्रोडक्ट है बड़ी अच्छी, कोराजन, कोराजन के नाम से छोटी सी वो पैकेट शीशी मिलती, वो भी इसका मौसर, उस उससे भी इसका मौसर कंट्रोल हो जाएगा। तो आपकी फसल की मतलब अब जो ये बीमारी लग गई है, जो हिस्सा डैमेज हो चुका है, ये जो मैंने आपको दिखाया ये हिस्सा तो अब वापस नहीं आना, ये हिस्सा तो डैमेज हो चुका है, लेकिन आप एक दिन के अंदर अगर आप फौरी देखते तो उसी दिन आप इसको लाजमी ये तीनों जो स्प्रे है मैंने आपको बताया, इसके बाद सवात एग्रो की भी कोई अच्छी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, इस तरह की जो अच्छी कंपनियां उसका आप फौरी तौर पे जो इसको कंट्रोल करे वो आप स्प्रे इसको अगर कर दें तो आपकी फसल की ये बीमारी इधर ही कंट्रोल हो जाएगी और नुकसान होने से बच जाएगा। क्योंकि इस स्टेज पर अगर आपकी फसल का नुकसान हो तो आपकी पैदावार जहाँ पर 20 मन आनी तो 15 मन आ सकती है, पैदावार आपकी कम हो सकती है, क्योंकि जो पौधा मुतासर हो जाएगा उसकी पैदावार तो ज़ाहिर बात है कम हो जानी। तो दोस्तों फौरी तौर पे आपने इसका कंट्रोल करना, ये मैंने स्प्रे आपको बता दी, आपने इसको स्प्रे मारने, इंशाल्लाह आपकी फसल इधर ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों मैं आपके साथ इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करता रहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा देता कि हर नई आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुँचती रहे। दूसरा ये कि मेरी वीडियो बाकी किसान दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि जो किसान भाई इसको देखे उसका बर वक्त फ़ायदा हो सके। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, हाज़िर होगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।